दोस्तों आज इस पृथ्वी पर बीटल यानी कि गुबरेलों की लगभग 4 लाख प्रजातियां निवास करती है। बीटल कोलियोप्टेरा वर्ग के जीवों में आते हैं, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वर्ग के जीवों में सबसे बड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कोलियोप्टेरा वर्ग में इंसेक्ट स्पीसीज के 40% जीव आते हैं, जबकि पूरे एनिमल स्पीसीज में इस वर्ग से केवल 25% जीव आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी वर्ग के सबसे बड़े कीट हरकुलस बीटल के बारे में जानेंगे। हरकुलस बीटल राइनोसेरस बीटल की एक स्पीसीज है, जिसके अंदर एटलस बीटल, एलिफेंट बीटल और ऑक्स बीटल जैसे लगभग 1500 स्पीसीज शामिल है। लेकिन इन सभी प्रजातियों में हरकुलस बीटल सबसे बड़े साइज के होते हैं और यह लगभग 7 इंच जितने बड़े हो सकते हैं। इसी के कारण इसे पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली कीटों के सूची में किया गया है। दोस्तों हरकुलिस बीटल को खास बनाती है उसके हॉर्न, जो कि लगभग 4 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जो कि इसके शरीर के कुल लंबाई से भी लंबे होते हैं। एक हरकुलिस बीटल अपने वजन से 850 गुना ज्यादा भार उठा सकता है, जो कि इसके शरीर के ताकत और स्ट्रेंथ को साफ दर्शाता है। हरकुलिस बीटल आज अमेरिका महादेश के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वहीं यह फल, बीज और पेड़ों को खाते हैं और अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हरकुलिस बीटल के जीवन चक्र की प्रक्रिया जानने से पहले आपको बता दें कि हरकुलिस बीटल की प्रजातियों में बस मेल के पास ही हॉर्न होते हैं, वही फीमेल एक नॉर्मल बीटल के समान ही दिखाई देती है। इसके जीवन चक्र की प्रक्रिया की शुरुआत मेल और फीमेल हरकुलिस बीटल के मिलन के प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। दोस्तों आपको बता दें कि मिलन की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कई बार दो मेल आपस में लड़ाई करते हैं और जीतने वाला मिलन की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके मिलन की यह प्रक्रिया रेनी सीजन के दौरान होती है। मिलन की इस प्रक्रिया के लगभग 1 महीने बाद मादा मिट्टी या फिर सड़े हुए पेड़ों में लगभग 100 अंडे देती है। इनके अंडे उजले या हल्के पीले रंग के होते हैं। इन अंडों से बच्चों को बाहर निकलने में 27 से 30 दिनों का समय लग जाता है। अंडों से जन्म लिए यह बच्चे हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके मुंह का हिस्सा काले रंग का होता है। वहीं शरीर के अगले हिस्सों में 3 जोड़ी पैर होते हैं। इनके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होता है, यानी कि यह अपने खाना को चबाकर खाते हैं। वहीं सांस लेने के लिए यह लार्वा अपने शरीर पर मौजूद स्पाइरिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। यह लार्वा अब सड़े हुए लकड़ी जैसे चीजों को खाते हैं और विकास की इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि बीटल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से होकर गुजरता है, यानी जब बीटल अपने लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरता है, तब इसके शरीर में पहले स्टेज की तुलना में कई सारे बदलाव आते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह तितलियां अपने लाइफ साइकिल के दौरान एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट जैसे कई स्टेज से होकर गुजरने के बाद एक बटरफ्लाई के रूप में विकसित होती है, मेटामॉर्फोसिस विकास के विभिन्न स्टेज में होने वाले इन्हीं बदलावों को कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के दौरान जब लार्वा बड़े हो रहे होते हैं, तब वह समय समय पर मोल्टिंग करते हैं। अंडों से जन्म लिए यह लार्वा अपना पहला मोल्टिंग लगभग 50 दिनों के बाद करते हैं, जिसके बाद यह पहले से बड़े और गहरे रंग के हो जाते हैं और फिर यह लार्वा दूसरी बार 50 से 60 दिनों के बाद पुनः मोल्टिंग करते हैं, जिसके बाद यह अपने फाइनल लार्वल स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी कि अब यह अपने लार्वल स्टेज में और कोई मोल्टिंग नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हरकुलिस बीटल के लार्वा अपने इस फाइनल लार्वल स्टेज में लगभग 450 दिनों तक रहते हैं, यानी कि लार्वल स्टेज का यह दौर लगभग 1.5 सालों का होता है। लार्वल स्टेज के इस दौर में यह लार्वा खा कर 5 इंच जितने लंबे हो जाते हैं, वहीं इसका वजन लगभग 100 ग्राम तक का हो जाता है। दोस्तों हरकुलिस बीटल का लार्वा लगभग 450 दिनों के बाद अपने लार्वल स्टेज से प्यूपा स्टेज में बदलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद यह प्यूपा स्टेज में लगभग 32 दिनों तक रहता है। प्यूपा स्टेज हरकुलिस बीटल के लाइफ साइकिल का वह दौर होता है जब इसके शरीर के विभिन्न अंगों का विकास लार्वा से एक बीटल के रूप में शुरू होता है, जिस दौरान इसके शरीर के पैर, पंख, एंटीना और हॉर्न जैसे विभिन्न अंग विकसित होते हैं, और लगभग 32 दिनों के बाद इस प्यूपा के खोल को तोड़कर एक यंग बीटल बाहर निकलता है और इसी तरह जन्म होता है एक हरकुलिस बीटल का। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 2 साल के लंबे प्रोसेस के बाद एक हरकुलिस बीटल का जन्म होता है, लेकिन प्यूपा से एडल्ट होने के बाद हरकुलिस बीटल मात्र 4 से 6 महीनों तक ही जीवित रहते हैं, जिस दौरान यह मादा की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जीवन चक्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और फिर मर जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।